एनडीए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर द पॉइंट ए बी एंड सी कोलिनियर। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, ये पॉइंट बी का, ये पॉइंट सी का, ये कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो। कॉलिनियर का मतलब एक लाइन में लाई करें। ये कंडीशन पूछ रहे हैं कि इस लाइन पे लाई करें तो इनका कंडीशन क्या होगा। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। देखो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो क्या ये जीरो होगा? नहीं भाई, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, और बी क्रॉस सी करेंगे तो कहां आएगा? ऊपर आएगा। तो इससे क्या मुझे पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि एक लाइन पे लाई कर रही है, पॉइंट यहां ना होके यहां रहता तो ये भी नहीं। अगर यहां भी हम करते तब भी तो यही डायरेक्शन दोनों करता, तब भी कोई बात नहीं। सी पढ़े, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस सी का है ऊपर, तो परपेंडिकुलर है, नहीं वे दोनों पैरेलल है। ठीक ठीक है, तो ये नहीं, सॉरी बी इसका पॉइंट बी का मैंने समझाया गलत है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। अगर हम बी को यहां ना रख के यहां कर देते तो दोनों तो एंटी पैरेलल हो जाता। हम बी को गलत समझाया, बी को अगर हम इस तरफ रख दें तो आप देखो एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो बी भी ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर डी, देखो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। इसे कहने में थोड़ा सा मुझे भाई रिजल्ट मेरे को कुछ पता नहीं। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं दो मेथड से, मेथड वन आप जानते हो, अगर हम बीसी को एक वेक्टर माने, ठीक बीसी, और एक वेक्टर आपका ए बी, ठीक। आप देखो ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर एक ही लाइन में हैं, कॉलिनियर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ये रिजल्ट हमें पता है। अब इनको कर लो तो भाई BC कितना होगा? अगर ये C है आपके पास और ये B है तो क्या हो जाएगा? C माइनस B हो जाएगा क्रॉस। सिमिलरली आपके पास AB क्या हो जाएगा? B माइनस A इज इक्वल टू जीरो। कर लो इसे, C क्रॉस B माइनस C क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस बी जीरो होगा, प्लस 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 में क्या होगा? बी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक, उस फॉर्म में लाने के लिए इस नेगेटिव साइन को हटाते हैं तो क्या होगा? सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। ए क्रॉस बी कह रहा है, माइनस कॉमन ले ले सब में से तब भी यही आएगा ए क्रॉस बी। सेकंड पॉइंट क्या है? बी क्रॉस सी। और थर्ड पॉइंट क्या है? सी क्रॉस ए। सब में माइनस अगर ले लो तो ये बन जाएगा उसी तरीके से ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस हटा देंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन है, If A and B are the vectors forming consecutive sides of a regular hexagon ABCDEF, then CAF है। देखो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एक एक स्टेप इसमें समझते जाना। पहले हेक्सागॉन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने हेक्सागॉन, आप जानते हो पॉलीगॉन में हर साइड बराबर होता है, नेमिंग कर लिया A, B, C, D, E, F। देखो कोई दो साइड दे रखा है हमने, इसे और इसे मान लिया, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अब आप देखो ये
जो एडी वेक्टर है वो आप देखो इस वेक्टर बी के ट्वाइस ऑफ द लेंथ है। कैसे आप ये देखना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये वेक्टर का लेंथ इधर करेंगे तो cos 60 by 2 मतलब इस वेक्टर का लेंथ by 2, और सिमिलरली इधर भी इस वेक्टर का लेंथ by 2, हर साइड तो बराबर होता है, तो ये 2 2 हाफ आप जोड़कर 1 हो जाएगा और एक ये इसका लेंथ तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए वेक्टर AD जो होगा वो आपका 2B होगा। अब आप देखो ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, अगर हम AC वेक्टर निकालें तो AC क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर का सम जो कि A प्लस बी होगा। क्लियर, ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद सीडी देखो, सीडी क्या होगा, इस वेक्टर माइनस ये वेक्टर सीडी होगा, तो सीडी क्या होगा, एडी माइनस एसी, तो एडी कितना है 2B माइनस एसी कितना है माइनस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू पी माइनस ए, ये हो गया सी डी, ये आपका ये हो गया। अब ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। क्लियर, अब आपसे पूछ रहे हैं सीई, ये है सीई, ठीक है, तो आप देखो सीई जो होगा वो वेक्टर सी डी माइनस ए होगा, CD माइनस यह वेक्टर, तो CD कितना है B माइनस A और माइनस A, ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे तो B माइनस 2A CE आएगा, ऑप्शन चेक किया B माइनस 2A, पॉइंट नंबर 1 सही। अब कह रहे AE, यह वेक्टर AE, देखो AE जो होगा वो सी प्लस एसी होगा, ए जो होगा वो सीई, सी कितना है बी माइनस टू ए, और एसी कितना है, एसी आपका है ए प्लस बी, तो दिस इंप्लाइज टू बी माइनस ए, ए ठीक है, ये भी सही आ गया टू बी माइनस ए, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी सही। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है, एफ ए, ये देखो एफ ए पूछ रहा है, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर आपको पता है ये बी होगा, ठीक, अब आपसे पूछ रहा है एफ ए, एफ ए, एफ ए ये होगा एफ ए, ये आपका एफ ए होगा, ठीक है, अब आपका ये एफ ए होगा एफ ए, तो आप देखो एफ ए जो होगा एफ ए प्लस ये वेक्टर ए जो कि बी के बराबर होगा, एफ ए प्लस ए जो कि बी के बराबर, तो एफ ए क्या होगा बी माइनस ए, ए कितना है माइनस टू बी प्लस ए विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये भी सही, ठीक, पॉइंट नंबर 3 भी सही, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तीनों सही, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडेंटिटी ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए क्रॉस बी। हम क्या करते हैं, यह देखो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और आप क्या करो ये आई कैप कर लो, और ये कौन सा होगा, ये जे कैप होगा, ठीक, ये जे कैप, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा आई प्लस जे, ठीक, और इनको मिला दिया तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और ये आई प्लस जे जो होगा ये डायगोनल होगा आई प्लस जे, ठीक, आई प्लस जे जो होगा वो क्या होगा डायगोनल होगा। अब देखो इसका एरिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया कितना है ए नॉट 1 यूनिट, ठीक, अब आप देखो ए प्लस बी ये है ए प्लस बी, एक वेक्टर ये था ये हमने इसको ए माना है और इसको हमने बी माना है, तो ए प्लस बी ये है, ए माइनस बी करेंगे तो देखो कौन सा होगा ये होगा ए माइनस बी, ये होगा ए माइनस बी,
यह हो गया आपका a प्लस बी और यह हो गया आपका a माइनस बी। ऑप्शन नंबर वन पढ़ते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ गिवन पैरेललोग्राम आर यूज्ड एट द साइड ऑफ अ सेकंड पैरेललोग्राम। इसका डायगोनल अगर हम सेकंड पैरेललोग्राम की तरह यूज करते हैं तो आप देखो ये हो गया सेकंड पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया हम देखो अगर निकालना चाहें तो ये पूरा का लेंथ कितना रूट टू यूनिट, इसका लेंथ कितना रूट टू यूनिट, आपस में कितना एंगल 90 डिग्री। इसका एरिया कितना हो जाएगा ए वन, क्या हो जाएगा ये रूट टू है और ये लेंथ कितना है रूट टू है, तो रूट टू इंटू रूट टू विच इज टू, तो ए वन इज इक्वल टू टू। क्या कह रहे हैं, देन द एरिया ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम इज ट्वाइस दैट ऑफ अ गिवन पैरेललोग्राम। देखो इसका ट्वाइस ये है तो पॉइंट नंबर वन बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू, इफ द सेमी डायगोनल्स, सेमी डायगोनल मतलब इसका हाफ मिड पॉइंट। कह रहे हैं इफ द सेमी डायगोनल्स ऑफ अ गिवन पैरेललोग्राम यूज्ड एज द सेकंड पैरेललोग्राम। अब इसका ये जो लेंथ होगा ये कितना है, ये पूरा रूट टू यूनिट है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा रूट टू बाई टू जो कि वन बाई रूट टू। सिमिलरली इसके साथ भी क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ रूट टू है, हाफ लेंगे तो वन बाई रूट टू, ये भी रूट टू। और इसे लेकर अगर हम डायगोनल को लेकर के हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म करें तो इसका साइड ये आपस में 90 डिग्री है, इसका एरिया करें ए टू तो क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू टाइम्स वन बाई रूट टू विच इज इक्वल टू वन बाई टू। अब पढ़ते हैं, then the area of the given area of the second parallelogram is half that of a given parallelogram। देखो इसका half आ रहा है क्या, इसका half, तो point number two भी सही, तो दोनों point सही, तो correct option कौन सा हुआ, option number C। हमने बिल्कुल इसे simple components में break कर दिया, i cap और j cap में, negative कहा तो negative और फिर resultant हमने find out करके बहुत आसानी से हमने दोनों point को find out कर लिया।